नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लखनऊ में। आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बहुत पूरी जानकारी देने वाले हैं तीन बड़े रिजल्टों को लेकर। सबसे बड़ी जानकारी वीडियो रिजल्ट को लेकर देने वाले हैं और दूसरी बड़ी जानकारी आबकारी रिजल्ट को लेकर देने वाले हैं और तीसरी बड़ी जानकारी ट्यूबवेल ऑपरेटर के रिजल्ट को लेकर देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें और साथ ही साथ लाइक बटन को जरूर दबा दें मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके वीडियो रिजल्ट को लेकर आपका टाइम काफ़ी टाइम से वेस्ट किया जा रहा है। आयोग की तरफ से लगातार आपको आयोग की तरफ से लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जैसा कि आप सभी सुने होंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपका रिजल्ट मई के फर्स्ट वीक और अप्रैल के 22, 23, 24, 25 अप्रैल के बीच में आ जाएगा, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है लगातार लॉलीपॉप दिया जाएगा, लेकिन देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है, इनकी बातों में कितना दम है। ठीक है, तो यहाँ पर इंतज़ार कर लेते हैं, ठीक है, कि आपका रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। फिलहाल यहाँ पर जो है आपको लॉलीपॉप दिया जा सकता है मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करें, किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, नहीं तो इसके चक्कर में क्या पता आपका सिलेक्शन हो कि ना हो। मैं आपको भड़का नहीं रहा, लेकिन बता रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आप लोग इसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करें, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। ठीक है, तो इसका रिजल्ट फिलहाल देख लेते हैं अप्रैल में आता है कि नहीं आता, लेकिन आपको लॉलीपॉप इस बार भी दिया जा सकता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, संभावना व्यक्त कर। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, संभावना ये है कि आपका रिजल्ट अभी भी नहीं आने वाला है। आपका रिजल्ट लोकसभा चुनाव के बाद ही आएगा साथियों, जब आपका जो है सरकार का मकसद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। और सेकंड खबर की तरफ हम लोग बात करते हैं साथियों, आबकारी रिजल्ट के बारे में। तो आबकारी रिजल्ट को लेकर जो है इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दे, तो दोस्तों आबकारी रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही साथियों। यहाँ पर इसमें पेपर लीक हुआ है था, तो इसमें लगातार जो अभी जांच चल रही है 2 सालों से, अभी भी जांच पूरी नहीं हुई। जब तक जांच नहीं पूरी होती, तब तक आपका आबकारी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आयोग की तरफ से अभी इसको जो है इसमें जांच बताया गया है कि अभी इस पर जांच चल रही, जब तक इस पर जांच नहीं पूरी होगी तब तक हम इसका रिजल्ट नहीं जारी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपका आबकारी रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, इसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करें। ठीक है, और थर्ड खबर पे हम लोग आते हैं साथियों। थर्ड खबर की बात करते हैं साथियों, ट्यूबवेल ऑपरेटर का रिजल्ट। तो साथियों, ट्यूबवेल ऑपरेटर का रिजल्ट जब वीडियो रिजल्ट आएगा, तब उसके 10 से 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट बिल्कुल आ जाएगा, ट्यूबवेल ऑपरेटर का रिजल्ट। ठीक है, यानी ट्यूबवेल ऑपरेटर का रिजल्ट आपका वीडियो रिजल्ट के बाद 10 से 12 दिन के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर निवेदन है सभी से कि आप लोग इन रिजल्टों के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करें, साथ ही साथ अपना जो है अदर सोर्स आमदनी का जरिया बनाए रखें, ताकि आपको भविष्य में जो आगे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, किसी भी रिजल्ट के चक्कर में अपना जो है टाइम वेस्ट मत करें, उसी के पर निर्भर न रहें मित्रों, मेरा निवेदन है आपसे। और साथ ही साथ हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है मित्रों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शुक्रिया।